गाइस कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं बोट की तरफ से बोट वेव इलाइट। सो गाइस आज की वीडियो हम इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। एंड गाइस बात करूँ इसकी प्राइस की तो इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। सो गाइस 1000 रुपीज की ये स्मार्ट वॉच ज्यादा माल दिखाती है वो यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे आपको 700+ एक्टिव स्पोर्ट मोड्स, लाइव क्रिकेट स्कोर एंड 1.69 इंच का फुल टच डिस्प्ले एसएफ चार्ज के सपोर्ट के साथ आती है। मीन्स यहाँ पे आपको 30 मिनट से स्मार्ट वॉच को चार्ज करना पड़ेगा या आपकी फुल्ली स्मार्ट वॉच चार्ज है वो हो जाएगी। सो गाइस अगर आप जेन्युइन रिव्यू देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि गाइस इस चैनल पे तो आपको जेन्युइन रिव्यूज ही मिलेंगे। एंड ये रिटेल यूनिट है, मैंने भी खुद इसे फ्लिपकार्ट से परचेज है वो किया है, तो इस बात पे भी वीडियो पे लाइक हो जाना चाहिए। हमारे चैनल पे 5K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो 5 स्मार्ट वॉचेस एंड 5 ईयरबड्स का गिव अवे आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इस बॉक्स के ओवरव्यू। बॉक्स को ओवरव्यू की तो यहाँ पे आपको वेव इलाइट इसका ब्रांडिंग नेम दिया गया है। गाइस यहाँ पे स्मार्ट वॉच का इमेज दिया गया है। सो गाइस साइड में बात करो तो यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन किया, आप इसे पॉज करके देख सकते हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। सो गाइस यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते ही ये रही हमारी मेन स्मार्ट वॉच। सो गाइस डॉक्यूमेंट्रीज की बात करो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूजर मैनुअल, बोट का स्टिकर, कैटलॉग एंड थैंक यू का कार्ड, एंड ये जो है वो वारंटी कार्ड आपको रजिस्टर है वो कर लेना है। सो गाइस ये रहा हमारा चार्जिंग केबल। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पोको पिन चार्जिंग केबल प्रोवाइड किया चार्जिंग करने के लिए। सो गाइस यहाँ पे होल्डिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस मुझे तो होल्डिंग टेस्ट काफ़ी बढ़िया लगा, आप आराम से स्मार्ट वॉच को चार्ज है वो कर पाओगे। सो गाइस सारी चीज़ों को रख देते साइड में। सो गाइस आ जाते हैं हमारे मेन स्मार्ट वॉच की तरफ। तो गाइस स्मार्ट वॉच लुक वाइज काफ़ी प्रीमियम है एंड गाइस फिनिशिंग भी काफ़ी बढ़िया तरीके से की है। तो गाइस बात कर लेंगे इसके बेल्ट एंड डिज़ाइन की। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ इसके फ्रेम की, तो इसके फ्रेम है वो मेटेलिक बिल्ट इन है। पीछे बात करेंगे तो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल यूज़ किया है। एंड यहाँ पे आपको टेम्परेचर सेंसर्स, हार्ट रेट, एस्पीओ टू सेंसर्स, यहाँ पे आपको मिलेगा चार्जिंग पोर्ट चार्जिंग करने के लिए। एंड रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स है तो आप आराम से स्मार्ट वॉच के स्ट्रैप्स को चेंज है वो कर पाओगे। एंड गाइस यहाँ पे रैपर दिया गया है, तो यहाँ पे है हमारी बोट वेव इलाइट। तो रैपर को निकाल देते हैं, स्मार्ट वॉच को कर लेते ऑन। ऑन करते यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप का कुछ वॉच फेस दिया गया है, तो यहाँ पे आपको बेजल्स क्लियरली विजिबल हो गए हैं। तो गाइस बात करें इनके फीचर्स की तो नीचे स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आपको D&D मोड दिया है, वाइब्रेशन मोड, अलार्म यहाँ से सेट कर पाओगे, ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग्स की बात करेंगे डिस्प्ले, उसमें यहाँ पे आपको वॉच फेस चेंज करने का ऑप्शन। एडवांस में जाओगे तो यहाँ पे आपको स्लीप एंड स्क्रीन टाइम ऑन कितना रखना है वो यहाँ से तय है वो कर सकते हो। वाइब्रेशन, D&D मोड, सिस्टम डाउनलोड ऐप कर लेना है यहाँ से बोट का जो ऐप है। लेफ्ट साइड स्वाइप करते हैं नोटिफिकेशन, वापस स्वाइप करते हैं वेदर अपडेट शो हो जाएंगे, म्यूजिक कंट्रोल, स्लीप, हार्ट टेम्परेचर, SPO2, हार्ट रेट, स्टेप्स एंड वापस वॉच फेस पे आ जाओगे। राइट साइड स्वाइप करते ही वही सारे फीचर्स है। एंड गाइस नीचे स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको लाइव क्रिकेट स्कोर है वो दिख जाएगा। इस बटन पे टैप करोगे तो सारे फीचर्स हो जाते हैं, जैसे कि एक्टिविटीज। यहाँ पे आपको 700+ स्पोर्ट मोड है वो दिए गए, तो स्पोर्ट मोड के कोई भी कमी है वो नहीं है। एक्टिविटी रिकॉर्ड यहाँ पे सारे हो जाएंगे जो भी यहाँ पे आप एक्टिविटीज करोगे। हार्ट रेट, SPO2, स्लीप मॉनिटरिंग, टेम्परेचर, ब्रीथ एक्सरसाइज, नोटिफिकेशन, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म, फ्लैशलाइट भी यहाँ पे आपको दिया गया है, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर अपडेट, कैलकुलेटर भी दिया गया, तो कैलकुलेटर भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। स्टेप्स, गेम, फाइंड माय फोन एंड सेटिंग्स का ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस ये थे इनके सारे फीचर्स, अभी कर लेते हैं इसका हेल्थ सूट को टेस्ट। सो गाइस यहाँ पे दोनों में हार्ट रेट ऑन कर दिया, मेजर पे टैप कर देते हैं तो यहाँ पे मेजरिंग कर रहा है 84 एंड यहाँ पे 83 BPM दिखा रहा है। तो गाइस हार्ट रेट तो काफ़ी तगड़ा था। SPO2 को भी यहाँ पे मेजर पे क्लिक है वो कर देते हैं। एंड यहाँ पे आपको वॉच को स्टेली रखना है, यहाँ पे आपको हिलाना नहीं है स्मार्ट वॉच को। सो गाइस यहाँ पे 97% है एंड यहाँ पे भी 97% है। तो गाइस SPO2 तो काफ़ी बढ़िया है। सो गाइस अभी देख लेते हैं ये स्मार्ट वॉच टेबल पे मेजर करती है या नहीं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर अगेन का ऑप्शन आ चुका है वापस। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आ चुका है, तो यहाँ पे फेक रीडिंग कोई भी शो है वो नहीं होती। सो गाइस हार्ट रेट SPO2 काफ़ी बढ़िया है, मगर गाइस अगर आप सीरियस हेल्थ इशूज़ के साथ सफ़र कर रहे हो तो आप इस पर रिलाई मत कीजिए, ये आपको डेली आइडियाज़ ये वो देते हैं। सो गाइस यहाँ पे आउटडोर ब्राइटनेस की बात करो तो आउटडोर ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया है, मैंने इसे आउटडोर में काफ़ी बार यूज़ किया, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी विजिबल थी एंड मैं सारे फीचर्स को एक्सेस है वो कर पा रहा था। सो गाइस आउटडोर में यहाँ पे विजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत है वो नहीं आएगी। यहाँ पे चार्जिंग की बात करो तो यहाँ पे 30 मिनट्स में ये फुल्ली चार्ज हो जाती है।
जैसे कि आप आपको SF चार्ज का सपोर्ट है वो मिलता है एंड 7 डेज का बैटरी बैकअप है वो आराम से वो दे देंगे। सो गाइस स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको बोट क्रैश ऐप को डाउनलोड कर लेना है, तो मैंने इसे डाउनलोड वो कर लिया है। यहाँ से स्मार्ट वॉच को सिलेक्ट वो कर लेते हैं, तो यहाँ पे वेव इलाइट ये रहा तो इस पर टैप कर देते हैं एंड यहाँ पे आ चुका है हमारा मॉडल। तो यहाँ पे पैरिंग पे टैप कर दिया था मैंने एंड यहाँ पे पैर हो चुके, आप देख सकते हो पैरिंग सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े ऐप के फीचर्स है वो बता देता हूँ। सेटिंग में जाके वेव इलाइट फीचर्स पे टैप कर दो, यहाँ पे आपको सारे वॉच फेसेस दिख जाएंगे। क्लाउड वॉच फेसेस लगा सकते हो, बैकग्राउंड में टैप करते यहाँ पे कस्टम वॉच फेस भी रख सकते हो। कैलेंडर रिमाइंडर, अलार्म, नज, वेदर, नोटिफिकेशन ऑन कर देने सारे चीज़ों का, कॉल नोटिफिकेशन, SMS नोटिफिकेशन, जो भी यहाँ पे आपको चाहिए स्मार्ट वॉच में मिल जाएंगे। ऑटो हार्ट रेट ट्रैकर यहाँ से आप ऑन कर सकते हो 60 मिनट्स 10 मिनट्स तक का। फाइंड माई वॉच पे टैप करते यहाँ पे आपके स्मार्ट वॉच वाइब्रेट होने लगी। आप गूगल फिट का भी सपोर्ट है। बैक चले जाएंगे तो यहाँ पे अबाउट योर डिवाइस पे यहाँ पे आपको सारे डिवाइस के इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएंगे एंड लॉगआउट करते आपके स्मार्ट वॉच यहाँ पे अनबाइंड है वो हो जाएगी। तो गाइस वाटर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे IP67 मिलते हैं। मगर गाइस IP68 होता तो काफ़ी बढ़िया रहता, 1.5 मीटर डेप्थ तक इसे लेके जा सकते थे, मगर स्मार्ट वॉच में थोड़ा पानी चला गया तो कोई भी दिक्कत है वो नहीं आएगी। ज्यादा हमारे मेन कंक्लूजन की तरफ, तो आपको बोट वेव इलाइट को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। सो गाइस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं तो 500 रुपीज बढ़ा दूंगा एंड बोट वेव फ्लेक्स करने को परचेज कर लूंगा, क्योंकि उस स्मार्ट वॉच में भी आपको मेटालिक डिजाइन, वो IP68 वाटर रेजिस्टेंट, ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट के साथ वो आती है। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि 1000 रुपीज़ की स्मार्ट वॉच है, मेटल बिल्ड काफ़ी बढ़िया है, 700 स्पोर्ट मोड्स है, कैलकुलेटर, गेम्स, सारी चीज़ें, मगर रेस कॉलिंग होता तो काफ़ी बढ़िया रहता है। एंड गाइस अगर आपका बजट 1000 रुपीज़ है तो आपके लिए ये स्मार्ट वॉच बेस्ट है, आप इसे जरूर परचेज है वो कर सकते हो। ये था इसका कंक्लूजन, मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।